नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं इस दुनिया पे जो नई विपत्ति आने की एक संभावना पैदा हुई है। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन एक संभावना पैदा हुई है। हम बात करेंगे सर्वाइवल की ह्यूमन रेस में यह जो नया वायरस हेंटा वायरस आया है। आप अब तक आप सबको मालूम है कि हेंटा वायरस का मौत केवल एक हुई है चाइना में, लेकिन मौत हुई है। और यह एक ऐसा वायरस है जो पुनः एक्टिव हो गया है, जो बहुत पहले जो चूहों को पालते थे, रेड्स को पालते थे, उनमें पाया जाता था। इसकी डिस्कवरी पुरानी है, लेकिन दोबारा ये इस दुनिया में एकदम से एक ये नई खबर आ गई है, जिसको कहते हैं हेंटा वायरस। तो हम लोग को समझ लेना चाहिए जानकारी के लिए कि वास्तव में होता क्या और हमारा इससे सर्वाइवल कैसे होगा। तो साथियों, सबसे पहले हेंटा वायरस के बारे में बता दूं। हेंटा वायरस जो है एक तरह का वायरस है। यह जो है यूनान प्रोविंस में, चाइना के साउथ ईस्ट पोर्शन में यसोमाइट नेशनल पार्क में सबसे पहले पाया गया। वहां से ये स्प्रेड होना इसका माना जाता है। यह बड़ा अजीबोगरीब वायरस है साथियों। यह वायरस चूहों से फैलता है। माइस, डियर माइस एक प्रजाति है, अभी माना गया है कि उससे फैल रहा है। तो ये रैट से, रोडेंट से फैलता है, जिसमें स्क्वायरल, गिलहरी आदि तमाम जानवर आ जाते हैं। यह फैलता है और यह ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन अभी तक इसके फैलने की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यह फैल सकता है चूहों से। चूहों के जब चूहों की यूरिन या उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट फीसिस होता है, वो कहीं पे लगा हुआ है और हम अगर उसको इस्तेमाल कर किसी तरह उसकी जो वो है उसका जो इन्फेक्शन है वो हम तक पास ऑन हो सकता है। सबसे ज़्यादा होता है सलाइवा के माध्यम से, मुंह के माध्यम से। अगर वह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हेंटा वायरस का शिकार हो सकते, जो कि उतनी ही खतरनाक बीमारी है जितनी आप अभी इस समय सुन रहे हैं। यह जो है वह मैं फिर रिपीट करूंगा, व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन इसके इन्फेक्शन का अभी तक कोई केस नहीं है। और चूहों में जिनमें यह रहता है उनमें भी इनका कोई सिम्टम नहीं आता, वो इसको मजे से कैरी करते रहते हैं। तो यह एक वायरस है। अब क्योंकि एक वायरस ने दुनिया को हिलाया तो दूसरे वायरस की भी संभावना बनती है। साथियों, बात कर लेते हैं इसके सिम्टम की। इसमें दो तरह से सिम्टम आते हैं। एक आता है हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, और एक दूसरा जो और खतरनाक रूप इसका आता है वो आता है हेमरेजिक फीवर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम HFRS। तो HPS साथियों पहले बात कर लेते हैं। HPS जो हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम होता है, उसमें जो है आपके बुखार आता है, आपके मसल्स में दर्द होता है, आपकी सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, आपके पेट में दर्द होता है। या सिम्टम अगर आपके हैं तो भाई संभावना तो नहीं है, लेकिन जानकारी आपको दे रहा हूँ कि अगर ये सिम्टम है तो एक बार अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका खतरनाक रूप है, हेमरेजिक फीवर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसमें साथियों लंग्स का कंजेशन और रीनल फेलियर तक हो जाता है, आपकी किडनी तक फेल हो जाती है। तो यह इतना घातक है। बात कर लेते हैं इसके बचाव की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों। इसके बचाव का अभी एकमात्र रास्ता यही है, जैसे कोरोना वायरस के बचाव का सिर्फ एकमात्र रास्ता जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है कि लॉकडाउन, और इसके बचाव का एकमात्र है फिलहाल कि आप चूहों को ख़त्म करें घर से, चूहों को किसी तरह घर से निकालें बाहर। किसी तरह का मतलब चूहेदान का उपयोग करें, आलस ना करें। रोडेंट्स को हमें आसपास अपने ख़त्म करना है, बस यही इसका इलाज है। अभी मेरे पास आपके होम्योपैथी में भी बताने का कुछ नहीं है, लेकिन आप रोडेंट्स को अपने घर से ख़त्म करने की कोशिश करिए। यह बहुत सहायक होगा हेंटा वायरस को आगे फैलने से रोकने में, आपके लिए भी, समाज के लिए। साथियों, आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।